आज नूरपुर में विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा मणि महेश यात्रा खोलने हेतु नूरपुर SDM के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सोनू गुलेरिया ने कहा कि जिस तरह प्रदेश में बाकी संस्थान खोले गए हैं और लोगों का आना जाना शुरू किया गया है, हिमाचल देव भूमि के नाम से जाना जाता है, हिमाचल में सभी धार्मिक स्थलों को खोल देने की आज्ञा दे देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार से निवेदन किया है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मणि महेश की यात्रा की अनुमति दी जानी चाहिए, यात्रियों की सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सचित शर्मा ने कहा मणि महेश यात्रा खुला कैलाश पर्वत है, जहां पर कोरोना वायरस फैलने की संभावना भी नहीं है, इसलिए शिव भक्तों को रोका ना जाए। इस अवसर पर रितेश चौधरी, अजय कुमार, रवि, गौरव, JS चौहान आदि उपस्थित रहे। ये जो आप ज्ञापन दे रहे हैं, किस विषय पर दे रहे हैं? मैं सचित शर्मा, एडवोकेट, नूरपुर। आज हमने एक ज्ञापन CM साहब को SDM साहब के थ्रू दिया है, जिसमें हमने प्रदेश में जो हमारी मणि महेश यात्रा होती है भोले शंकर जी की, इसको खोलने वाला में हमने ये ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारा एक छड़ 15-20 लोगों का एक समूह नूरपुर से जाता है, जो लोग पैदल ही मणि महेश यात्रा तक जाते हैं और वो लोग बाया कुप्ती होके जाते हैं। तो एक धार्मिक आस्था जो है वो लोगों की जुड़ी हुई है, तो मेरी सरकार से यही विनती है कि वो इस यात्रा को खोलें और जितने भी श्रद्धालु या यात्री वहां जाते हैं उनकी सुरक्षा का भी प्रबंध करें। यही इसी ज्ञापन के माध्यम से हम CM साहब को अपना ये संदेश देना चाहते हैं। जय श्री राम।